हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम किस तरीके से किसी भी इमेज को कार्टूनाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी इमेज को हम किस तरीके से HD में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी कलरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस इमेज को कार्टूनाइज में कन्वर्ट किया है। आप अपनी किसी भी रफ इमेज को, किसी भी पिक्सलेटेड इमेज को HD में कन्वर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं इसी तरह की मजीद वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमेज को ओपन कर लेना है। इमेज को ओपन करने के दो तरीके हैं, यहां पे आपने फाइल पे क्लिक करना है, यहां पे आपने ओपन कर लेना है, यहां पे किसी भी इमेज को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहां पे आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिस इमेज को आप कार्टूनाइज कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये है ओरिजिनल इमेज, तो हम इसे करेंगे HD में कन्वर्ट और साथ में इसकी करेंगे कलरिंग। तो सबसे पहले आपने चले जाना है यहां से फिल्टर्स में। फिल्टर में जाने के बाद यहां पे आपने नॉइस में चले जाना है, यहां पे ग्रे कस्टोरेशन। दोस्तों, ये एक प्लगइन्स है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, ये आपके पास शो नहीं होगा, आपको इसे ऐड करना होगा। तो ऐड करने का तरीका का मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। आपने इसे क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहां पे आपने इस इमेज की सेटिंग करनी है। तो आपने अपने हिसाब से यहां से सेटिंग कर लेनी है, आपने ये डिफॉल्ट सेटिंग देख लेनी है। इसी तरीके से आपने इसको डिफॉल्ट रखना है। उसके बाद यहां पे आपने GPU रेंडर पे टिक कर देना है, यहां से आपने साइड बाय साइड पे क्लिक कर देना है। यहां पे आपके नॉर्मल हो गए, यहां पे आप साइड बाय साइड पे कर देंगे। उसके बाद डिफॉल्ट सेटिंग ही रहनी देनी है, ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे Ctrl+L प्रेस करना है, उसके बाद आपने इसका ब्राइटनेस लेवल अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपने अपने हिसाब से ब्राइटनेस सेट कर लेनी है। उसके बाद आपने Ctrl+B प्रेस करना है, यहाँ से आपने इसकी कलर बैलेंस को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी इमेज के हिसाब से कलर के बैलेंस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर हमने इस इमेज को HD में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैसे आपने फिल्टर में चले जाना है, नॉइस में चले जाना है, ग्रे कस्टोरेशन में चले जाना है। इसे आपने यहाँ से साइड बाय साइड करके GPU पे टिक कर देना है। अगर आपके कंप्यूटर में GPU होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Ctrl+L प्रेस करना है, लेवल्स में चले जाना है। तो दोस्तों, आपने अपनी इमेज के हिसाब से लेवल्स को सेट कर लेना है, उसके बाद इसका बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले वाली इमेज है। तो आप अपनी इमेज को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट।